तो स्वागत है आप सभी का अपने साब रिकॉर्ड फॉर्म चैनल में। और आज के इस वीडियो में बताया जाएगा आईवी सेट लगाने का तरीका, जो कि काफी ज्यादा किसी को आता नहीं है और इसी चक्कर में आईवी का कोई इंजेक्शन होता है तो वो लगा नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में आज बताया जाएगा आईवी कैसे लगाते हैं, आईवी और आईवी में लगाया जाने वाला इंजेक्शन। ड्रिप जो होती है फ्लूड चढ़ाना, उसका तरीका अलग होता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है आईवी कैसे लगाया जाता है। आज इंजेक्शन लगाना बताया जाएगा, आईवी का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है कम्प्लीटली इसमें बता दिया गया है, कितने नंबर की नीडल ली जाती है और कितने नीडल जो है छोटे जानवरों में आईवी लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए जो अकेले लगाने हैं आप, तो आप 24 नंबर की नीडल ले सकते हैं। बड़ा जानवर है आपका तो आप 20 नंबर की नीडल ले सबसे बेस्ट, और भी अच्छा हो तो 22 नंबर की ले। इतनी जल्दी इसमें आईवी में लगाया नहीं जाता, जो आपको इंटरमस्कुलर के लिए सबसे मोटी नीडल ली जाती है, तो आप पतली नीडल लेंगे सबसे बेस्ट है, कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी आईवी का इंजेक्शन या फ्लूड जल्दी नहीं चढ़ाया जाता, तो इसलिए आप बिल्कुल हल्की नीडल ले। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अभी जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इस बकरी को थोड़ा सा मतलब वीकनेस के लिए हमने ट्राइवी वेट ले लिया है और हमने सोचा कि चलिए आज इसके आईवी का वीडियो बना लेते हैं। बकरी 2 महीने के समथिंग हो गई है, फर्स्ट टाइम जब क्रॉस नहीं करवाई थी हीट पर आई थी, तो क्योंकि टाइम हुआ नहीं था, इतनी जल्दी बकरी को नहीं क्रॉस करवाना चाहिए वरना शरीर से कमजोर हो जाती है, तो हमने सोचा इसके मिनरल्स पूरे हो जाएंगे और दोबारा हीट पे जल्दी आ जाएगी। तो हमने इसको ट्राइवी वेट लगाने के लिए हमने लिया है 3 ml का इंजेक्शन ले लिया, जो कि बहुत अच्छा डोज होता है ट्राइवी वेट का। और हमने 24 नंबर की या आई थिंक ये 26 नंबर की नीडल है, ब्लू कलर की जो होती है, और ये हमने ले ली है। और इसके साथ में हमने ट्राइवी वेट भर लिया पूरा अपना समथिंग 4 ml। और जब हमने इसके आईवी लगाया, आईवी लगाने का तरीका ये होता है, उसके पहले पालपेट की जाती है, सब पहले नस को हिलाया जाके देखता है साइड की नस से दबा करके, गले की तरफ से दबा करके, क्योंकि ऐसा होता है कि दबा के भी हर कोई आप बैठे रहे नसी नहीं निकल के आए तो पता नहीं चलेगा ना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको आईवी लगाने के लिए साइड से, आप देख सकते हैं साइड से इधर दबाना पड़ेगा या इधर से दबाना पड़ेगा। बकरी के लगाने की जो जगह होती है ईयर वेन पे लगा सकते हैं आईवी, फ्लूड हो या इंजेक्शन 1, इंटरवेनस पे लगा सकते हैं जुगलर वेन पे 2, और एक पेट के नीचे नस जाती है आप वहां पे भी इमरजेंसी में भी लगा सकते हैं 3, ठीक है। और एक पैर पे लगाई जा सकती है, मान लीजिए बकरे का पैर है, ठीक है, तो इससे यहाँ से शेव करने के बाद में यहाँ पे भी लगाई जा सकती है, तो यहाँ पे जब आप लगा देंगे तो नस में आपकी निकल के आ जाएगी, शेव करने के बाद में क्लियर पता चलता है, लेकिन सबसे ईजी होता है यहाँ से लगाना और ईयर वेन पे भी लगाना, और बकरी के सिर्फ नीचे लगाना ईजी होता है। तो आप 24 नंबर की नीडल लेने के बाद में अपना ट्राइवी वेट इंजेक्शन भर लेंगे और आप वो यहाँ से देखेंगे पालपेट करने के बाद में नस निकल के, और जब वो नस निकल के आ जाएगी आपको इंजेक्ट कर देना है। नीडल बेस्ट रहेगी अगर आप 1.5 इंची या 2 इंची की लेंगे, वो सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास फुल साइज की है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। आईवी लगाने के लिए सबसे बेहतर होती है लंबी नीडल, क्योंकि आईवी लगाने के लिए जो होता है वो यूं करके इंजेक्ट की जाती है और यूं करके फंसा के निकाली जाती है। आईवी लगाने के लिए इंजेक्शन वो आप डायरेक्ट नस में इंजेक्ट कर सकते हो, खड़ी छोटा इंजेक्शन होगा, नीडल छोटी होगी तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन बड़ी नीडल होगी तो आपको यूं नीचे डाल के मतलब नस को हिलगाना पड़ता है, अगर जरा सी हिलेगी तो आईवी फ्लूड निकल जाएगा और स्किन के अंदर फैल के वहां गांठ बन जाएगी, लेकिन तभी वहां से निकाल दें अपना आईवी सेट जो है और थोड़ी देर मसाज कर दें वहां पे, सब वो फ्लूड पिघल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो कम्प्लीटली, इसमें जो वीडियो आज बताई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये बड़े बकरे के भी हमने लगाया आईवी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खड़े होकर इसने इजीली लगवा लिया, फर्स्ट टाइम इसने आईवी लगवाया, तो इस पर भी वीडियो बना दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें जो है बकरे के जो इंजेक्शन लग रहा है, इसमें हमने बैक इंजेक्शन भी भरा है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको इंटरमस्कुलर या सब कट लगा करके दिखा दिया, इसमें हमने बैक इंजेक्शन भर के सारा ब्लड इंजेक्शन में भर के दिखाया, फिर आपको आईवी लगा के दिखाया, फिर दोबारा बैक भर के दिखाया, कंफर्म करवा दिया कि नस में ही लगा है। हालांकि इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर जाता कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमने आईवी लगाना था ना, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं आईवी
सब कट इंटरमस्कुलर होते हैं, लेकिन आईवी लगाने से बहुत शानदार हर चीज का रिजल्ट आता है। एंटीबायोटिक जो आईवी लगाने का हो, अगर आप उसे आईवी लगाएंगे, बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आपकी बकरी बाय चांस हीट पे नहीं आ रही है, मिनरल्स की कमी के कारण बकरी हीट पे नहीं आती है, तो ट्राइवी वेट अगर आप लगा देंगे ना, तो ट्राइवी वेट लगाने के बाद में बकरी आपकी हीट पे आने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो अब अपनी बकरी इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद में हीट पे आ जाएगी, वीडियो जरूर बनाएंगे हम उसके ऊपर भी, और कम्प्लीटली, और अपनी हैदराबादी जो पटिया है वाइट वाली, उसके ऊपर वीडियो बन रही है, चैनल से जुड़ जाएं कम्प्लीटली, उसकी 5 महीने की वीडियो पूरी सीरीज बाय एक बन रही है कि कब क्या बन करवाई थी, कितना महीना हो गया आज, और आज इसने जड़ छोड़ दी, पीछे स्वेलिंग आ गई, आज इसने दूध इतना उतारा, आज इसने इतने पुट्ठे तोड़ दिए, आज ये ब्याह जाएगी गारंटी के साथ में, ऐसी वीडियो बनेगी। आप भी चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को जुड़े रहें। थैंक यू।